ये अचानक कैसे प्लान बना कि हम लोग शादी कर लेते हैं? लेकिन पता नहीं क्यों जब शादी का बात आता है तभी ये सब कास्ट मैटर करने लगता है, ऊंच नीच मैटर करने लगता है। मेरे भी रिश्ते आते थे, इनके भी रिश्ते आते थे, तो फिर हम लोग ऐसे टालते गए। फिर घर में बोला कि नहीं बता दो अगर कोई है तो इसको लेके जैसे ही मैं निकला तो मेरे घर वाले जो इसके घर पे आकर के थोड़ा झगड़ा वगड़ा होने लगा कि अच्छा अपनी बेटी को तुम क्यों जाने देती है। मतलब नहीं, हमने किसी को नहीं मतलब बोला है कि हम लोग नहीं चाहते थे कि हमारे वजह से कोई भी दोषी हो, कि ये डेली डेली के जो खींच पीछे उसके एक ही बार में क्लियर करते हैं। अब फुल लाइसेंस बन चुका है, अब इसको हम जहाँ चाहे वहाँ ले जा सकते हैं, इसके साथ जितना मन हो उतना वीडियो बना सकते हैं, कोई रेस्ट्रिक्शन। तो मेरे लिए तो शादी क्या इम्पोर्टेंस रखता है लाइफ में, वो तो बहुत बड़ा बात है, लेकिन हाँ मेरे लिए वो सजना सवरना दिखावटी चीज से ज्यादा इम्पोर्टेंट ये रख। मोहब्बत है क्या चीज हमें भी बता दो, ये किसने शुरू की हमें भी बता दो। देश के मशहूर यूट्यूबरों में एक नाम आता है झारखंड के मनोज दे का, और इन्होंने अभी अभी अपनी प्रेमिका के साथ शादी की है, और शादी कैसे की है शायद भगा के किए हैं, कैसे किए हैं इसके बारे में पता चलेगा जब बात करेंगे। तो आप दोनों का स्वागत है, जोहार, और सबसे पहले आप दोनों को बहुत बहुत बधाई। चलिए धन्यवाद एंड जोहार सबको आपके चैनल पर, जो भी ऑडियंस देख रहे हैं। मनोज भैया ये बताइए कि लास्ट टाइम जब आपका इंटरव्यू किए थे तो आप बोले थे ना कि मेरी कोई प्रेमिका नहीं है, अचानक फिर धीरे धीरे खुलासा होता है कि मनोज भैया की जो है प्रेमिका उनके सामने रहती है। बात यह है कि सोशल मीडिया में जब हम काम करते हैं, जब हमारा थोड़ा सा पॉपुलरिटी रहता है, लोग हमें पहचानते हैं, तो थोड़ा बहुत कुछ कुछ चीज़ों को सीक्रेट रखना पड़ता है ना, जी, छुपा के रखना पड़ता है। बट हाँ रिलेशन में तो हम लोग थे। अच्छा अच्छा ज्योति जी लोग हैं, आज भी लोग हैं। ज्योति जी ये बताइए कि जैसे आप बचपन से ही रहती है ना? हाँ यही, तो बचपन से भी यही रहते हैं, तो कब से शुरुआत हुई थी आप लोग की प्रेम कहानी? प्रेम कहानी तो अभी दो तीन साल ही हो रहा है। हाँ तीन साल। और ऐसे फ्रेंडशिप हम लोग का 2013-14 से था। अच्छा 2013-14 तब से मुझे पता था कि ये मेरे सामने रहते हैं। अच्छा आपसे मैं जानना चाहूँगा कि अचानक कैसे प्लान बना कि हम लोग शादी कर लेते हैं? ये अचानक मतलब बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, फैमिलीज इश्यूज थे, आसपास का कास्ट प्रॉब्लम, ये सब तो था ही बहुत पहले से। इस कारण ही हम लोग कभी ऑफिशियल नहीं कर पाए, क्योंकि आपको पता है हम लोग कैसे जगह पर रहते हैं, यहाँ पे एक रिलेशनशिप को सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं कर पाती है, ऊपर से अदर कास्ट में तो और ज़्यादा नहीं कर पाएंगी, तो इसीलिए हम लोग सीक्रेट रखे थे। बट हाँ हम लोग फैमिली को मना रहे थे, क्योंकि फैमिली सबसे पहले, बाद में जो भी आते हैं आसपास में तो बोलना बोलते ही है, तो हम लोग चाहते थे कि हम लोग अपने फैमिली को अच्छे से मनाएं, जितना टाइम लगेगा लगे मनाएंगे, और फिर अच्छे से धूमधाम से करेंगे, क्योंकि शादी करने का शौक तो हर किसी का रहता है, हमारा भी था, ये करेंगे वो करेंगे। फिर क्या हुआ ना, जब हमने घर में बताया कि मेरे भी रिश्ते आते थे, इनके भी रिश्ते आते थे, तो फिर हम लोग ऐसे टालते गए। फिर घर में बोला कि नहीं बता दो अगर कोई है तो, फिर बता दिया हमने कि ऐसा ऐसा है, तो फिर नहीं नहीं हो सकता, कास्ट प्रॉब्लम ये वो, मेरे साइड से थोड़ा कम था, इनके साइड से थोड़ा ज़्यादा ही था, और फिर उसके बाद फैमिली प्रेशर जो मिलने लगा मिलना जुलना, वीडियोज़ नहीं बनाना है साथ में, पहले तो मतलब पता था कि चलो वीडियोज़ बनाता है, ऐसा कुछ नहीं है, जब पता चल गया तो नहीं नहीं बहुत सारा रेस्ट्रिक्शंस लग गया इनको थोड़ा। अच्छा आपके घर से ज़्यादा इनके घर पे प्रॉब्लम हो रही थी? हाँ इन्हीं के घर में ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ है, मेरे घर में। अच्छा, नहीं। चलिए मनोज भाई आपसे बात करना चाहूँगा कि देखिए एक मतलब सक्सेसफुल यूट्यूबर, मतलब कह सकते हैं कि लोग नौकरी करके पूरे जीवन में उतना पैसा नहीं कमाएंगे जितना पैसा कमाते होंगे, मैं समझ सकता हूँ इस बात को, लेकिन फिर भी एक बीच में कास्टिज्म रिलीजन कहाँ से आ जाता है, ये समझ में नहीं आ रहा है प्यार मोहब्बत में, क्योंकि आप इतना सक्सेसफुल हैं, सामने रहते हैं, इनके आपके घर वाले भी देखते होंगे, इनके घर वाले भी आपको देखते होंगे कि लड़का अच्छा खासा कमाता है, हैरियर से चलता है जिसकी कीमत 30 लाख रुपये से शुरुआत होती है, तो फिर कहाँ दिक्कत आ रही थी? बात यह है कि हमें स्कूल में हमेशा, जैसे जब हम लोग पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाते समय स्कूल में सिखाया जाता है कि जात पात का भेदभाव नहीं करना चाहिए, ये लाइन हमेशा स्कूलों में सिखाया जाता है, ताकि हर एक मतलब हर एक जात सब बराबर होता है, ऐसे सब साथ में मिलो, साथ में रहो, साथ में खेलो कूदो, सब कुछ सिखाया जाता है। लेकिन पता नहीं क्यों जब शादी का बात आता है तभी ये सब कास्ट मैटर करने लगता है, ऊँच नीच मैटर करने लगता है, ठीक है आपका बैकग्राउंड देखा जाता है, बहुत कुछ देखा जाता है, उसके बाद एक शादी जो है होता है, जब फैमिली वाले जब अपनी खुशी से जब देते हैं अपने बच्चों का शादी, तो ये चीज़ तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि गलत तो है, जब पढ़ाया जाता है कि जात पात का भेदभाव नहीं करना चाहिए, फिर शादी के टाइम जात पात का भेदभाव क्यों? और रही बात धर्म का तो भेदभाव हमारे है ही भारत में, बहुत ज़्यादा ही है, हिंदू मुस्लिम ये वो सब तो होता ही रहता है, तो ये सब भी कहीं ना कहीं तो गलत ही है, ठीक है धर्म का भेदभाव, जात का भेदभाव,
बट क्या है कि सबका देखिए एक पर्सनल लाइफ है, सब अपना डिसीजन खुद लें। मैंने अपनी वीडियो में भी यही चीज बोला था कि हमने लव मैरिज किया तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको भी लव मैरिज करना है, सही बात या फिर मेरा वीडियो देख करके आप भी इन्फ्लुएंस हो जाओ, मेरे वीडियो देख करके आप भी सीख जाओ और चलो भाई उसने मनोज ने भगा के शादी किया तो हम भी भाग के शादी कर लेते हैं और फैमिली वालों के अगेंस्ट में जाकर कर लेते हैं। ये कहीं ना कहीं मैं भी इसको गलत मानता हूँ और अभी भी गलत ही मानता हूँ, मैंने सॉरी भी बोला था अपनी वीडियो में। लेकिन कहीं ना कहीं क्या हुआ था कि हमारा दो ही रीजन था करने का, एक तो मजबूरी भी थी कि हमारा नाम एक तरह से पहले से ही सोशल मीडिया पे जुड़ा हुआ था कि हमें जहाँ भी कहीं भी बुलाया जाता था, कुछ भी होता था तो साथ ही बुलाया जाता था। आज भी अगर आप आए हैं तो आप यही सोच के आए थे कि साथ ही चलिएगा इंटरव्यू करेंगे, है ना, सबके साथ यही सीन है। अभी जैसे निकॉन के एक कंपनी है कैमरा का, शादी से पहले ही हमारा एक महीना पहले ही डील हो गया था कि हम दोनों को ही कैमरा मिलेगा, अच्छा। दोनों को ही जाना है इवेंट में, अच्छा। अभी दिल्ली में एक इवेंट होने जा रहा है, वो भी दोनों साथ में जाएंगे 30 अप्रैल को। तो ये सब पहले हुआ करता था, तो एक मजबूरी भी थी और सेकंड हम दोनों को, हम एक दूसरे को इतना अच्छे से समझ चुके थे कि हाँ हम लोग एक दूसरे के साथ आराम से रह सकते हैं, खुशी से रह सकते हैं और दोनों का प्रोफेशन भी सेम था। हमेशा एक डॉक्टर चाहता है कि उसको वाइफ भी डॉक्टर हो, इंजीनियर चाहता है कि उसको वाइफ भी इंजीनियर हो, तो एक यूट्यूबर भी चाहता है कि उसको वाइफ भी यूट्यूबर। आपसी अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है, वो आप लोग में दिख रहा है। मनोज ये बताइए ना कि जब आदमी सक्सेसफुल होता है, सब कुछ होता है, तो भव्य शादी करने की सोचता है कि बढ़िया बाजा, डीजे, नाच गाना, तमाम तरह की चीजें होंगी, लेकिन आप तो बंगाल गए और एकदम बंगाली स्टाइल में शादी कर ली है। ऐसा लग रहा है कि एक नहीं होता है कि गांव से लड़की भगाया और धीरे से चुपके शादी कर लिया, इसके बारे में जरा बताइएगा। हुआ कुछ ऐसा था कि हम लोग गए थे, एक दोस्त का रिसेप्शन था, रिसेप्शन पार्टी में हम लोग गए हुए थे, तो इसको लेके जैसे ही मैं निकला तो मेरे घर वाले जो इसके घर पे आकर के थोड़ा झगड़ा वगड़ा होने लगा कि अच्छा अपनी बेटी को तुम क्यों जाने देती है, मतलब मेरे घर वाले, अच्छा, मेरे मम्मी बोल वाले? रहे थे हाँ कि क्यों जाने देता है, तो उसको संभाल के रखो, इतना रात हो गया, 8 बज रहा था उस टाइम, उससे भी ज़्यादा रात नहीं हो गया था। तो वहाँ से खाना वाना खा के निकलने वाले थे तो घर से कॉल आया फिर और डांट के बोलने लगा इसको इसकी मम्मी कि जल्दी घर आओ, इतना रात में इतना ये हो गया वो। तो इसको लगा कुछ ना कुछ तो हुआ होगा, ऐसी इसकी मम्मी ऐसे कभी बात नहीं करती है, इनके पापा भी नहीं करते हैं। फिर ये पापा से पूछी तो बताया कि ऐसे ऐसे बात है कि घर में ये लोग आया था, अभी झगड़ा उगड़ा करके गया। तब फिर मैंने घर में फ़ोन किया कि क्या हुआ, प्रॉब्लम क्या है। अब साथ में इनविटेशन आया है, कार्ड साथ में आया था, तो हम लोग गए हैं पार्टी यहाँ रिसेप्शन में, तो घर वाले फिर बोलने लगे कि नहीं तुम बहुत ज़्यादा उड़ रहा है ये वो, हाँ घर वाले होते हैं, घर वाले तो डांटेंगे ही। तब मैंने सोचा कि मतलब ये चीज़ हमारे साथ पिछले 3-4 महीने से बहुत ज़्यादा ही चल रहा था, उससे पहले भी चल रहा था कि मतलब अच्छा। साथ में नहीं जाना है, साथ में फ़ोटो नहीं लेना है, वीडियो नहीं बनाना है, अब साथ में ही हर एक जगह इनवाइट ही आता है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, फिर इग्नोर करने लगे थे, हम लोग नहीं जाते। अच्छा। हाँ, बहुत जगह हम लोग जाते भी नहीं थे। ऐसा भी हुआ कि बहुत बार हम लोग कहीं गए भी हैं साथ में तो वीडियो नहीं बनाए हैं घर का रेस्ट्रिक्शंस के वजह से, तो कहीं ना कहीं एक टेंशन टाइप का हो जाता था कि एक तो साथ में जाने से दिक्कत, फिर सब कुछ छुपा के जाओ तो फिर भी जान जाएगा तो फिर और दिक्कत, फिर घर में कचकच, ठीक है। अब उस दिन जब ऐसा हुआ कि रिसेप्शन में गए हुए थे, घर आ रहे थे उस टाइम ऐसा हुआ, तो मुझे ऐसा लगा कि ये डेली के जो खिचपिच है उसके एक ही बार में क्लियर करते हैं, अब फुल लाइसेंस बन चुका है, अब इसको हम जहाँ चाहें वहाँ ले जा सकते हैं, इसके साथ जितना मन हो उतना वीडियो बना सकते हैं, कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। तो फिर अचानक शादी का प्लान बना दिया, अचानक शादी का प्लान बना। तो अच्छा, शादी का जब अचानक प्लान बना तो ये कहे कि शादी करते हैं कि आप कही थी? मैंने ही बोला था, इन्होंने ही कहा था। तो फिर आपका क्या रिएक्शन था कि अचानक से शादी? नहीं, फिर मैंने पापा को कॉल किया। अच्छा, ये पापा को बता दी? फिर पापा को बताया ऐसा ऐसा बात है, तो पापा बोले कि ठीक है फिर तुम लोग जाओ, एक तरफ से सपोर्ट फिर मिल गया। अच्छा, आपके घर की तरफ से सपोर्ट मिल गया? हाँ। तो शादी में आपके घर वाले आए थे? नहीं, हमने किसी को नहीं मतलब बोला कि हम लोग आपके दोस्त वगैरह, हम लोग नहीं चाहते थे कि हमारे वजह से कोई भी दोषी हो या फिर किसी को भी गलत बोला जाए, हम लोग आपस में करना चाहते थे शादी, हम लोग साथ में रहना चाहते थे, तो हम ही लोग दोषी ठहरेंगे, चाहे फ्यूचर में अगर कुछ प्रॉब्लम होता तो हम लोग समझेंगे, फ्यूचर में अगर खुश रहेंगे तो हम लोग रहेंगे। दोनों को तो ऐसे डिसाइड था ही, फैमिली को मना ही रहते क्योंकि हम लोग को शादी करना ही था, तो इसीलिए हम लोग मेंटली भी प्रिपेयर थे शादी के लिए, सोचे कि कब तक ऐसा होगा तो चलो फिर कर ही लेते हैं, तो इसीलिए दोनों। क्या होता है ज्योति जी की, एक लड़की का सपना होता है कि जब शादी हो तो बढ़िया लहंगा वहंगा, चुनरी, जेवर जेवरात, मेहंदी वेहंदी, तमाम तरह की चीज़ें, सजना वजना, लेकिन आप लोग का शादी एकदम सिंपल तरीके से हुआ, तो कभी ये नहीं लगा कि यार थोड़ा और अच्छे से थोड़ा करते तो, या कुछ प्लानिंग है आगे कुछ करने का भी? नहीं, ऐसे तो सपना हर किसी का रहता है, और मेरा, हम कहीं इवेंट में भी जाते हैं तो बहुत लोग नोटिस किए होंगे हम रिपीट ड्रेस तक नहीं पहनते, तो मेरे लिए तो शादी क्या इम्पोर्टेंस रखता है लाइफ में, वो तो बहुत बड़ा बात है, लेकिन हाँ मेरे लिए वो सजना सवरना दिखावटी चीज़ से ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये रखते थे, मेरे लाइफ में ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखते, ये रहे तो वो सब तो है ही, सजना सवरना तो यही है। पहले के मनोज दे में और शादी होने के बाद के मनोज दे में कितना डिफरेंस आया, कितना अंतर आया है? कुछ अंतर नहीं आया, पहले भी हमको उतना ही प्यार करते थे, अब उससे ज़्यादा ही प्यार करते हैं कि आप तो सामने रहते हैं, इनके घर में रहते हैं,
तो पहले थोड़ा टेंशन में रहते थे, आपस में भी कभी कभी हम लोग का थोड़ा बहुत झगड़ा वगैरह हो जाता था, लेकिन अब जब साथ में आ गए तो फैमिली भी। अच्छा, सब एक ही प्रोफेशन में आप दोनों हैं। हाँ। तो मतलब अगर क्लासेस या झगड़ा होता था तो किस बात को लेकर होता था मनोज जी? हुआ ही नहीं झगड़ा ऐसा हम लोग छोटा मोटा ही, ऐसा कभी बड़ा बहुत कुछ ऐसा झगड़ा नहीं हो गया। फैमिली इश्यूज हो जाता है, आपस में बातचीत में वही बस, बाकी आपस में एक दूसरे के लिए लड़ाई कभी नहीं हुआ। अब तो शादी हो गई तो अब घर वाले अभी माने कि अभी लड़ाई चल रहा है? नहीं, अभी घर वाले सब मान गए हैं, घर में अभी सब कोई खुश है। मेरे घर पे ही रहती है, आज जस्ट अभी अपने मायके आई थी। संडे है तो इनके पापा घर पे रहते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, इनके पापा तो घर पे थे तो ये बोली कि जा रहे हैं। एक बात बताइएगा, जैसे शादी होती है ना तो जो जिसका बेटा सक्सेसफुल होता है ना तो उसके माता पिता चाहते हैं कि लगन उगन बड़ी बढ़िया मिलतक, चाहे कार मिलतक, तो बड़ा मजा आ जाता। लेकिन ऐसा कुछ था क्या? ऐसा कुछ नहीं था। रीज़न यही है कि मैं जब 10th में जब मैं पढ़ाई करता था ना उसी टाइम मैंने घर में बोल दिया था कि मैं दहेज नहीं लूँगा। बहुत अच्छा। चाहे मैं यूट्यूबर नहीं भी रहता, अगर मैं 10,000 का भी कहीं नौकरी करता तो मैं दहेज नहीं लेता। ये चीज़ मैंने पहले से ही बोल के रखा था घर में, तो घर वालों को पता था अगर मैं अरेंज मैरिज भी करता तो मैं पैसा नहीं लेता जी। हाँ, ये मेरा थॉट पहले से ही था, ऐसा नहीं कि यूट्यूबर बनने के बाद हुआ है। तो इसीलिए घर वालों को भी पता, मेरे पापा का भी सोच ऐसा ही कि पैसा नहीं लेंगे। हनीमून के लिए कहाँ गए थे आप लोग? हनीमून तो वो था नहीं, एक इवेंट था वहाँ पर और एक सॉन्ग का शूट था, तो दोनों काम था इसीलिए, और मेरा फ्लाइट टिकट पहले से ही क्या नहीं थे हम लोग। अच्छा, टेंशन में थी आप लोग, है ना? हाँ, तो ऐसा कुछ खास नहीं, घूमे हुए नहीं है, बट क्या है अब घूम लिए थोड़ा बहुत। जब बहुत सारे आपके बहुत सारे चाहने वाले हैं, आपके भी चाहने वाले हैं, तो जो बहुत सारे कपल होंगे तो उनको क्या संदेश दिया? ऐसा नहीं कि आज भाग के ब्याह कर लिए फिर बाद में पछता रहे हैं, तो उनको यही संदेश रहेगा मेरे तरफ से कि जैसे क्या हुआ था कि हमने डायरेक्ट ये कदम नहीं उठाया था, पहले घर वालों से हमने बात किया था। तो ये चीज़ आपको भी करना है, अगर आप ये ऐसा कुछ सोच रहे हैं तो घर वालों को पहले समझाने का कोशिश कीजिए, समझाइए, ठीक है। लेकिन मेरे घर में क्या था, अपने पैर पे खड़ा रहिए, रुक जाइए हम बता रहे हैं, अभी कंटिन्यू जा रहा है। पहले तो घर वालों को पहले समझाइए, घर वाले इनकेस अगर नहीं समझ रहे हैं तो फिर अब अपने आप में देखिए कि आप उस काबिल है कि नहीं वो कदम उठाने के लिए, जैसे सेल्फ डिपेंडेंट है कि नहीं। अगर आप खुद पैसा कमा रहे हैं, अगर आप एक अच्छा फैमिली को मतलब चला सकते हैं, संभाल सकते हैं, ठीक है, घर संसार को, तो पहला ये है। सेकंड ये है कि सेल्फ डिपेंड तो होना चाहिए। एक क्या था और एक कुछ था, मैच्योर। हाँ, नाबालिग बहुत कोई अभी बच्चा में निब्बा निब्बी जैसे बोला जाता है कि जाके शादी कर लिए। हाँ, शादी करना एक बड़ा चीज़ नहीं होता, शादी कर लेने के बाद आपको फैमिली को संभालना, अच्छे से उसको रखना, वो बहुत बड़ी जिम्मेवारी होता है, और जिम्मेवारी तो बढ़ ही जाता है शादी के बाद। तो ये 2-3 चीज़ आप पहले देखिए, घर वालों को समझाइए, घर वाले नहीं समझते हैं तब फिर अपना डिसीजन खुद लीजिए, ठीक है, बाकी किसी को देख करके नहीं करना है। आप क्या कहना चाहेंगे? तो कर लीजिए। मेरा भी सेम यही है, किसी को देख के इन्फ्लुएंस नहीं हो जाना। जैसे बहुत लोग कमेंट करें, आप लोग को देख के हम लोग को भी शादी करने का मन कर रहा है, तो ऐसा मत कीजिए। पहले अपना लाइफ सेट कीजिए, और एक जन नहीं दोनों जन लाइफ सेट कीजिए, तब जाके तब आगे जाके क्या होगा ना, झगड़ा उगड़ा नहीं होगा। अगर दोनों रहेगा इक्वल तो फिर मैक्सिमम चीज़ ये भी देखा गया ना कि मैक्सिमम लव मैरिज जब सक्सेसफुल बहुत सारा नहीं होता है, लव मैरिज में बहुत जाके आगे जाके किचपिच होता है, तो कहीं ना कहीं मेन रीजन वो पैसा का ही आ जाता है बीच में। अगर आप अच्छा खासा अर्निंग कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, तो ये कम प्रॉब्लम होगा, प्रॉब्लम कम होता है, पैसा बहुत जरूरत को पूरा कर देता है। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि मशहूर यूट्यूबर मनोज दे और उनकी पत्नी ज्योति जी हैं, और ये भी यूट्यूबर हैं, ये भी काफ़ी सक्सेसफुल है, ये भी खूब वीडियो बना रही हैं। देखिए, इस सारे बातचीत में एक अच्छी बात यह है कि ये शादी किए हैं और बिना दहेज के शादी किए हैं। ये बोले कि जब अगर मैं यूट्यूबर नहीं होता, सक्सेसफुल नहीं होता, तो भी मैं दहेज नहीं लेता, है ना मनोज जी? तो मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को कि कोई इंजीनियर बन जाता है, या कोई डॉक्टर हो जाता है, या कोई IAS, मतलब जिसकी अच्छी खासी नौकरी लग जाती है, तनख्वाह मिलने लगता है अच्छा खासा, तो सोचता है कि अच्छा मैं 50,000 कमा रहा हूँ, पढ़ने में इतना खर्चा हुआ है 5-10 लाख रुपया, तो हम अपने होने वाले ससुर का माल हड़पेंगे। ये कितनी गलत बात है, आप जरा बताइए कि आप दूसरे के माल पर उड़िएगा, दूसरे के पैसे पर उड़िएगा, ये शोभा देता है कहीं से? जी बिल्कुल भी शोभा नहीं देता है। बनना है तो ऐसे बनिए कि भाई हम सक्सेसफुल होंगे या नहीं होंगे, हम लड़की वाले से बिल्कुल भी एक रुपया पैसा नहीं लेंगे, उल्टा दे देंगे। हमको लगता है कि आप ही ने उल्टा पैसा खर्चा किया होगा, क्या बोलते हैं? अभी खर्चा तो वहाँ तो जो शादी वगैरह किया वो तो थोड़ा बहुत हुआ है, लेकिन अभी मेन खर्चा भी बाकी है, अभी रिसेप्शन तो देना पड़ेगा, क्योंकि मेरे घर में मेरा कोई भाई नहीं है, मैं अकेला हूँ। तो अभी जितनी कजन सिस्टर लोग है, ब्रदर लोग है, अपना खुद का दीदी लोग है जिसका शादी हो, सबका तो सपना था ना कि भाई के शादी में साड़ी लेना है, जूता उता छुपाना वाला सब होता है, तो वो सब अभी होने वाला है। अच्छा, होने वाला है सब। तो सब अभी जो रिवाज होता है वो होने वाला है। और कैसा लगा रिपोर्ट, ज़रा कमेंट करके बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मनोज दे, ज्योति श्री महतो जी हैं,
हैं, दोनों ने अभी शादी कर ली है। जय हिंद, वंदे मातरम, जोहार झारखंड।